हेलो दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष आज तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। लिटरली इसे ऑस्कर मिलना चाहिए। फर्स्ट बेस्ट VFX, सेकंड बेस्ट एक्टिंग, थर्ड बेस्ट डायरेक्शन, फोर्थ बेस्ट कास्टिंग रोल और 5 ये सब को बर्बाद करने के लिए। फिल्म बुरी नहीं है, फिल्म वाहियात है और हमारे हिंदू धर्म को आहत करने वाली फिल्म थी। तो बात करते हैं हम इसके बारे में कुछ सरप्राइज करने वाले कुछ बातें और कुछ मिस्टेक्स के बारे में। रावण एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति में से एक था, वो कोई छपरी नहीं था, वो खुद ज्योतिष है। उसे 4 वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञान था और उसे फिल्म में क्या दिखाया वो चलता है तो लाइक मुन्ना भाई MBBS का सर्किट। भाई ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सब चीज बुरी थी लेकिन रावण सैफ अली खान की एक्टिंग कुछ हद तक अच्छी थी। वीणा बजाते प्रभु की भक्ति करते करते उनके हाथ से खून निकलने लग जाता है लेकिन वो अपनी भक्ति करते हुए रुकते नहीं है। ये सीन बहुत अच्छा था। सबसे खराब VFX, हनुमान जी का क्या डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। इवन टपोरी कैरेक्टर लाइक रॉकी भाई या पुष्पा टाइप्स, ये अब तक की सबसे घटिया मूवी थी। पूरी रामायण की कथा को इन्होंने बदल कर रख दिया है, लाइक सबको टपोरी कैरेक्टर बना दिया है। एक सीन में रावण जब सीता माता का अपहरण करके उसे लेकर जाता है तब प्रभु श्री राम उसके पीछे पीछे भागते है। ये सीन कहाँ से डेवलप किया भाई, जटायु को तुमने बाज के रूप में दिखाया है। CGI से बने बाली और सुग्रीव की लड़ाई देखकर आप तो एक ही बात बोलोगे, क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कबन राक्षस जो सुग्रीव से मिलने के लिए पंपा जाने की सलाह देता है उन्हें इसने शबरी के रूप में दिखा दिया। मूवी शुरू होने के 15 मिनट के बाद ही आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और वो इंद्रजीत वाला क्या सीन था, झील के पानी में लड़ाई, झील के पानी में नहाने वाला सीन, वो जो भी था वो मेकर्स ने अपने हिसाब से अलग रामायण बना दी है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हमारी निराशा भी बढ़ते जाती है। आई पर्सनली थिंक प्रभु श्री राम की भूमिका में अरुण गोविल सर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। श्री राम शांत स्वभाव के थे, उनका चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती थी। वो किसी की भी आत्मा को छू ले उतना उनके चेहरे पर तेज होता था। और प्रभास विद एग्रेसिव लुक, प्रभास की मूछें और प्रभास लुक लाइक रावण टाइप बिहेवियर, हमेशा गुस्से में रहना। रावण ने सीता माता का जब अपहरण किया था तो पुष्पक विमान में उन्हें लेकर गया था और यहाँ पर चमगादड़ पर बिठा कर लेके गए। सीता माता ने अपने आभूषण नीचे फेंके थे और यहाँ पे मोती फेंकते हुए दिखाया। अब इतना सारा खर्चा हो गया ना तो थोड़ा और खर्चा कर लो, आभूषण दिखा दो ना यार। देखो हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसे समझ नहीं पाएगी इस झूठी रामायण को। मांस खाने वाला चमगादड़ कैसे हिंदू ब्राह्मण रावण का वाहक हो सकता है, इवन वो उसे अपने हाथ से मांस खिलाता है। सैफ अली खान और उनके अनुयायी हेयर स्टाइल रेसिंग लुक लाइक टिकटॉकर जो अभी अभी सलून में से अपने एक बाल कटाकर आए हैं। जितने भी दिखाए सबकी हेयर कट एक नए नए स्टाइल में, मतलब वाह, मतलब हम इसे कलयुग की रामायण कह सकते हैं। थर्ड क्लास लैंग्वेज, डायलॉग्स, राइटिंग फॉर रिलीजिंग डिटेल्स, डायलॉग लाइक जली ना। एक सीन में रावण क्या बोलता है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या, बंदर को पकड़ के लेकर आए। रावण की लंका सोने की थी लेकिन इसमें तो कोयले की तरह दिखती है। इस फिल्म में श्रीराम जानते थे कि रावण के शरीर पे कहाँ वार करना है, मतलब विभीषण का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। ओरिजिनल रामायण में रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम सीता माता को स्वीकार नहीं किया था, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और इसमें तो श्रीराम माता सीता को गले लगाकर हैप्पी एंडिंग। रावण का सिर 2 मंजिली वाला दिखाया है भाई, उसमें भी कॉपी पेस्ट, तो सीधे तरीके से कॉपी पेस्ट करो ना, एकदम झूठा लग रहा था वो। कृति सेनन कोई एंगल से सीता माता नहीं लगती। वानर सेना बी लाइक प्लेनेट ऑफ द एप्स। विभीषण जी जो खुद श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और उनको इन्होंने रावण के साथ मदिरा पान करते हुए दिखाया है। ऊपर से मदिरा पान करते करते वो उन्हें सलाह देते हैं कि आप जानकी को छोड़ दो, मतलब सिचुएशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जब वो श्री राम की शरण में आते हैं तब उनकी बीवी को मतलब एक झोपड़ी में अपने कपड़े बदलते हुए दिखाया है। मतलब ये सब दिखाने के पीछे आपकी क्या मंशा थी, कपड़े बदलते हुए साड़ी बदलते हुए तुम्हें उन्हें दिखाना है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे तो तुमने कोई वैल्यू दी ही नहीं। अगर हम टोटली गिने ना तो 20 से 22 लोगों ने इस फिल्म में काम किया है, बाकी तो सब CGI VFX के द्वारा बनाए हुए हैं। तो भाई 600-700 करोड़ सिर्फ ये VFX में ही खर्चा हुए है क्या, तो इससे अच्छा स्टोरी पर थोड़ा खर्चा कर देते यार। अपने मन से कोई पैथेटिक और बकवास मूवी तुम बनाते अलग स्टोरी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुमने रामायण के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। रामानंद सागर जी एक महापुरुष थे, हालांकि उस समय में काफी VFX वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन उन्होंने जो भी डायलॉग डिलीवरी की है, उस कास्ट को चुना है, वो सबसे बेस्ट लगे। वो वास्तव में भारत रत्न के काबिल थे। तो आपको ये नए जनरेशन वाली ओम रावत की पर्सनली अलग से बनाई हुई रामायण कैसी लगी
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक डिसलाइक जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका सबका धन्यवाद। जय श्री राम।